तो आज की वीडियो टाइटल थंबनेल देखो तो पता चल ही गया होगा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो तुम सब लोगों ने कमेंट भी किया था कि बहुत जो भी जितना भी फिस्ट है उन सबको अपडेट दो, और आज की वीडियो में वही बारे में बात करूंगा। मेरे पीछे भी एक टैंक है जो देख पा रहे होगे, और अभी नहीं गाइस, अभी नहीं, रुको, जरा सबर करो। इससे भी और बहुत ज्यादा टैंक है और बहुत सारा मछली है, सबका तो कवर नहीं कर पाए पर ज्यादातर इस वीडियो में है। तो चैनल में नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो का लाइक एम रखता हूँ मैं 60 लाइक्स, तो मुझे पता है कि तुम लोग कर दोगे। और जो पुराने व्यूअर्स हो तो तुम सब लोगों का रिक्वेस्ट में ये वीडियो है, और जो नया व्यूअर्स हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। तो चलिए वीडियो में, पहले तो ये वाला टैंक जो सबको पता है, ये लॉबस्टर का टैंक, उसको तो देख ही सकते हो, ये ऊपर झाड़ पर, चने के झाड़ पर चढ़ा हुआ है। और गाइस जो बाकी लॉबस्टर था मैं अपडेट देना नहीं दे पाया अपडेट, वो सारा का सारा लॉबस्टर मर गया, पता नहीं क्यों गाइस। वो जो ब्लू वाला लॉबस्टर था उसको तो ऑरेंज वाला बड़ा जो ऑरेंज था वो मार के ही खा गया, और जो ऑरेंज था उसका पता नहीं क्या हो गया, और जो बड़ा वाला ऑरेंज था वो भी गाइस पता नहीं अचानक से मर गया, पता नहीं क्यों। मैं एक और ऑरेंज मेल लाऊंगा लॉबस्टर, तो उसके बाद देखूंगा। ये आ गया नीचे, देख सकते हो, पता नहीं क्या करता रहता है हमेशा, ये शायद अभी कैमरा को देख रहा है। तो थोड़ी देर बाद इसको खाने दूंगा खाना, तो तब देखना कैसे टूट पड़ता है ये, अभी तो सिर्फ कैमरा को देख रहा है। तो इसका ये है टैंक सेटअप, जो कि मेरा चैनल पर है इसका वीडियो टैंक स्केपिंग का, जिसने भी नहीं देखा तो चैनल पर है वो वीडियो, जाकर देख सकते हो। और चलिए बढ़ते हैं अगले टैंक के ऊपर। ये एक और टैंक है जिसमें ये एक बरून शार्क है, एक जायंट गुड़ामी है, और ये एक पिकॉक वैस है। इसका कलर देख पा रहे हो कितना शानदार है, और ये एक छोटा मोटा मॉन्स्टर टैंक है जो भी बोलो, और इस पिकॉक वैस का कलर देख पा रहे हो कितना शानदार है। और गुड़ामी तो इस टैंक का किंग है जो कि हमेशा सबके, और ये पिकॉक वैस का मुँह सा गाइस बहुत ही बड़ा होता है, इसका कलर देख पा रहे हो बहुत ही शानदार लगता है मुझे। और ये जायंट गुड़ामी और ये वरुण शक तो बहुत ही मतलब एक्टिव रहता है हमेशा, थोड़ी देर बाद इनको भी खाना दूंगा तो वो भी देखना। और चले अब बढ़ते हैं अगले टैंक के ऊपर। ये कॉट टैंक, ये थोड़ा इसका जो कांच है गाइस ये थोड़ा मतलब धुंधला है, इसीलिए शायद नहीं देख पा रहा, और इसका लाइट भी खराब हो गया इसीलिए। तो इसमें ऑस्कर है, तीन ऑस्कर, तीन टाइप का ऑस्कर है, कॉपर ऑस्कर है, एक लेमन ऑस्कर है, ये देखो एक ग्रीन टेरर में, और दो पिराना है, और ये एक शार्क है, एक पैरोट भी है, एक शिवरम भी है। उसका कलर गाइस बहुत ही शानदार है, जो कि मैं नहीं दिखा पा रहा तो ये है गाइस उनका खाना श्रिम्प, जो कि जो मार्केट से लाया हुआ है, और उसका मतलब जो स्किन होता है उसको निकाल के ये उनको धो के मतलब अब ये दूंगा खाने में, देखना कैसे टूट पड़ते हैं वो लोग। अब आ गया गाइस इन सबको खाना खिलाने का टाइम, और देखना कैसे एक एक करके सब लोग मतलब खाने के ऊपर कूद पड़ेंगे। पहले तो ये परुण शक देखो कैसे मतलब लेकर भाग गया, और ये जायंट गुड़ामी देखो उससे भी ज़्यादा बड़ा पीस लेकर भाग गया, और अब पीकॉक बेस देखे ना कितना फास्ट मूव करेगा, ठीक है ना, देखो। और ये स्लो मोशन देखो गाइस कितना फास्ट है गाइस, मतलब जब भी इसको पता चलेगा ना ऐसे मतलब शेंग करके ले लेगा खाना,
और अब दूर चला गया, और मतलब अभी तो परमेश्वर ले अपने खाना तो खा चुका है और फिर भी ढूंढ रहा है, और इसलिए एक और दिया और उसको भी देखोगा इस कैसे, मतलब स्लो मो में देखो कैसे वो ढूंढ कर मतलब पूरा का पूरा खाना मुंह में निकल लेगा, देखोगा स्लो मो में, ये देखो कितना शानदार लगता है ना गाइस। अब सब लोगों ने मतलब जिनको जितना खाना था वो खाना लेकर मतलब आप अभी कोने में चला गया, और जैनगुड़ा में देखो उसके मुंह में अभी भी है, और परमेश्वर अभी भी ढूंढ रहा है कि आसपास कोई खाना वगैरह है या नहीं। मतलब जब भी खाना देता होगा ये मतलब बहुत सुपर एक्टिव हो जाता है जब इसको पता चलता है कि आसपास खाना है, और ये मतलब चोर है गाइस, किसी और से और के मुंह मुंह से भी निवाला छीन कर खाता है ये परमेश्वर, और बहुत एक्टिव है, और लेकर मतलब भाग जाता है, मतलब फ्लैश की स्पीड से भाग जाता है ये, ठीक है ना। और पीकॉक बेस तो मतलब पहले ही फ्लैश की स्पीड से ले लेता है, और ये पीकॉक बेस मुझे गाइस बहुत ही पसंद है, इसका कलर और पैटर्न गाइस मैं बहुत छोटा लाया था ये, और इसके साथ एक एरोना भी लाया था जो मुझे पुराने व्यूअर्स उनको पता होगा, वो एरोना नहीं बच पाया, उसके बाद भी एक और एरोना लाया था वो भी नहीं बच पाया, पता नहीं गाइस मेरे साथ ये एरोना का क्या दुश्मनी है कि वो नहीं बच पाता, बहुत कुछ किया है गाइस मेरे एरोना के लिए, जो व्यूअर्स हो तो पता ही होगा, डिवॉर्मिंग भी किया था पर फिर भी नहीं बच पाया, और उसके बाद यही है अभी तक तो जो है, तो देखो गाइस पूरा वीडियो। और अब ये आखिरी टुकड़ा बचा है जो कि ये जाएगा ये लॉबस्टर को, तो चलिए दे देता हूँ, देखो जब भी इसको पता चलेगा ना ये मतलब टूट पड़ेगा उसके ऊपर, अच्छी जगह पर गए वो, ये रहा अभी तक तो इसे कुछ पता नहीं चला, जब भी पता चलेगा तब ये आ जाएगा, तो मैं देखता हूँ फॉलो करूँगा जब भी आएगा तो तब उसका वीडियो निकाल लूँगा, ठीक है ना। तो ये देखो गाइस सबका तो खाना हो गया, और कुछ ही मतलब घंटों में हजम भी कर देंगे, मतलब बहुत ज़्यादा भूख कर रही है सब, और परुण शर्क का तो मतलब पेट देखो गाइस, अब देखो इसका फिन देखो एकदम रियल शार्क की तरह हो गया, और गुरामी देखो मतलब अभी भी घूम रहा है उसको, मतलब मुंह में शायद अटक गया है, बहुत बड़ा साइज था इसलिए, और ये पिकअप में देखो अभी भी तो कैमरा देख रहा है, बहुत कैमरा चाहिए, मतलब पता कर रहा है कि कर क्या रहा है, इसका कलर और पैटर्न देखो गाइस कितना शानदार है ना। तो गाइस अब देख सकते हो इसको पता चल चुका है, और इसको मतलब इसका मुंह में देखो गाइस वो श्रिम्प है जो कि दिया था वो खा रहा है अभी, मतलब इसके ऊपर बैठ कर अब ये शर्मा गया है, देखो पीछे कैसे चल रहा है, देखो कैसे पीछे चला गया, और देखो मतलब ये मतलब अब छुप जाएगा, ठीक है ना, इसको लगता है कि मैं उसका खाना छीन रहा हूँ, अभी देखो कैसे मतलब उसके घर पर चला गया पूरा पीछे छुप कर चला गया। तो गाइस अब है गाइस बारी कुछ और फिश दिखाने का, जो कि गाइस एक बाहर टब से रखे हुआ है उसके ऊपर, ये देख पा रहे हो एक सेनेगल है, और दो वेराइटी का सेनेगल है इसमें, एल्बिनो है वो रहा उसका हेड देख पा रहे हो, और एक क्रीम सेनेगल है वो बहुत ही बड़ा है वो रहा, अब उनको खाना देने का वक्त आ गया, और ये है उसका फूड जो कि चिकन का जो मतलब हार्ट फट वगैरह रहता है ना, जिसमें बहुत आयरन रहता है जो कि मतलब जो कि बहुत ज़्यादा स्मेली होता है, ये फूड दूंगा उसको के लिए। दे चुका हूँ मतलब देखना कि ये कैसे हमला करेगा, और देखो इसका छूने पर देखो गाइस ये कैसे चला गया बहुत एक्टिव, और ये देखो गाइस अब उसका शायद स्मेल आ गया है, ये स्मेल दे रहा है, ठीक है ना, ये मतलब आसपास का पता नहीं ठीक से दिख पा रहा है कि नहीं, पर गाइस ये मतलब सन है ना ऊपर इसीलिए, ये यार भी इधर है ये लोग जो सेनेगल है, देखो गाइस ये देखो कितना फास्ट मूव करता है, देखा मैं वेट करता हूँ थोड़ी देर कि खाना का, हाँ देखो देखो गाइस ये कैसे खा लिया लेकर मतलब भाग गया, देखा। तो ऐसे ही मतलब जब भी मैं ये मतलब कवर डाल दूंगा और इसको मतलब पूरा बंद कर दूंगा अंधेरा हो जाएगा, और तभी ये बाहर आएगा, और वो देखो एक और लेकर चला गया ये वाला, खा भी लिया गाइस इसने, देख पड़ो कितना मतलब इजीली खाते हैं ये लोग, ये भी खा लिया उसको मतलब छीन के खाया, और ये इसको बहुत बंदर है, सबको जो सबको मिलेगा कोई बात नहीं, मैं इन सबको मतलब वीकली एक से दो बार ही खाना देता हूँ उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इन सबका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो रहता है ना,
ठीक है ना, इसलिए। और देखो अब ये शायद दूसरे पर हमला करेगा, और देखो ये देखो गाइस कितना क्लियर है, क्योंकि ये एल्बाइन है ना इसलिए बहुत क्लियर डिविजिबल होता है। देखो ये कैसे खाता है गाइस, देखो कितना शानदार लगता है। ये एक और देखो, ये वाला तो मतलब टूट गया इसके ऊपर पूरा, मतलब खा गया। बहुत है इन सब के लिए खाना, मतलब आज तो दावत है इन सब के लिए। तो चलिए बढ़ते अब अगले में, ठीक है ना। और अभय गाइस कुछ रियल मॉन्स्टर दिखाने का, ठीक है ना, ये बड़ा बड़ा स्ट्रीम जाएगा उन सब के लिए। एलिगेटर गार्ड, टाइगर शोफिल नोज, गूंज कैटफिश, मेरे पास एक रेडटेल भी था जो कि गाइस दो था, एक मर गया था पता नहीं। वो रेडटेल जो मेरे पुराने व्यूअर्स उन सबको तो पता है कितना शानदार था यार, बहुत क्यूट था यार वो रेडटेल। जब भी मैं मतलब स्टब्स के पास जाता था ना, वो तभी तभी मतलब मेरे पास दौड़ के आ जाता था, ठीक है ना। और गाइस एक उसके बाद एक और लाया था जो कि थोड़ा डिफॉर्म था, पर वो भी नहीं बच पाया। और वो जो पहले वाला जो रेडटेल था गाइस बहुत छोटा था, और बहुत छोटे से मैंने बहुत बड़ा किया था उसको, मतलब 1 फीट तक ले गया था मैं उसको। मतलब वो कम से कम 3 से 4 इंच का था, 3 से 4 इंच से मैं मतलब 1 फुट कर ले गया था। और ये एलिगेटर गार्ड भी बहुत छोटा था, अब तो खा पा पी के मतलब बहुत बड़ा हुआ। इसके लिए ऊपर एक मॉन्स्टर टफ सेटअप भी किया हुआ है, ऊपर उसको ले जाऊंगा, शिफ्ट करूंगा, और उसका भी वीडियो आएगा चैनल में। और ये देखो ये है गूंज कैटफिश, जो पता है मैन ईटिंग कैटफिश होता है, रिवर मॉन्स्टर जो देखते थे अगर तो पता ही होगा, जर्मी वर्ड जो पकड़ा था। और ये टाइगर शोफिल नोज देखो कितना फास्ट मूव करता है, ये लाइट गया ना इसलिए। वो मेरा मम्मी का हाथ था, वो ऐसे मतलब उसको दिया था, मतलब मोम को दिया था कैमरा पकड़ने के लिए, और वो ऐसे पागलों की तरह करते थे। छोड़ो उसको, इग्नोर करो। और ये गूंज कैटफिश जो मैं बता रहा था बहुत बड़ा होता है, और ये देखो इतना बड़ा सिम का टुकड़ा दूंगा एलिगेटर गार्ड को, और वो खाएगा देखना, ठीक है ना, कितना एक्टिव है। जब भी इसको स्मेल मिलेगा और ये देखेगा जब इसका अटैक, देखो ये देखो गाइस, और ये स्लो मो में देखो, ठीक है ना, देखो गाइस कितना फास्ट है ये। और एलिगेटर गार्ड सबसे फास्ट है, मुझे तो लगता है पिकॉक बैस से भी ज़्यादा फास्ट। देखा गाइस कैसे खाया, मतलब ये मतलब बहुत। और इसका दांत गाइस बहुत ही शार्प होता है एलिगेटर गार्ड का। मैं तो मतलब कभी कभी डर जाता हूँ कि पास से खाना दूँ कि ना दूँ। इसको हैंड फिनिंग कभी भी नहीं देता, ये ऐसे डालता था मैं छोटा से, जब ये छोटा था तब से ये डालता था और ये खा लेता था। अब तो ये 1 फीट से भी ज़्यादा बड़ा हो गया, और इसके लिए तब बहुत छोटा है मुझे पता है गाइस। इसके लिए ऊपर एक मॉन्स्टर टैंक, मतलब टैंक नहीं, एक मॉन्स्टर एक पॉन्ड की तरह बना चुका हूँ सीमेंट से, ईट से, तो उसमें इसको सेटअप कर दूंगा। तो उसका वीडियो आएगा, तो चैनल में नया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक और मैं जो मेरे व्यूअर्स हो उनको वादा किया है कि एक और नैनो टैंक सेटअप करूँगा, प्लांटेड टैंक, बॉन्साई ट्री से एक एक्वास्केपिंग करूँगा उसका। उसमें एक बहुत सारा नैनो वैरायटी का फिश रखूँगा, और वो भी मतलब उसके ऊपर भी काम चल रहा है गाइस। जो टैंक है उसको बनाने के लिए बोल दिया है, वो भी कभी कभी मतलब किसी दिन में आ जाएगा, और उसका वीडियो दे दूंगा चैनल में। तो चैनल में नया हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और ये अभी मतलब इसमें गाइस ये बहुत मतलब शर्मीला है, पता नहीं शर्मीला या शर्मीला है, पर ये जब भी कैमरा को देता वो मतलब खाना नहीं खाता, कैमरा जब भी हटा देगा तभी ये खाना खाएगा। और ये गूंज का और ये टाइगर शोफिल नोज़ का पैटर्न देखोगे कितना शानदार है, और इसको अभी बकेट में ले जाए टाइगर शोफिल नोज़ को, मतलब कि आप सब लोगों को मतलब आसानी से दिखा सकूँ। और ये गाइस इनका जो फिन है ना इनमें काटा होता है, मैं मुझे भी बहुत बार लगा। और ये देखो कितना एक्टिव है, जब भी ये उठाता हूँ ऐसे ही करता है पहले बार, और जब भी इसको मतलब खाना देता हूँ ना तब ये शांत हो जाता है, कि ये पता चल जाता है हाँ ठीक है कोई बात नहीं आप मुझे खाना खिला सकते हो, कोई बात नहीं। और ऐसे इसको लग रहा है कि ये क्या है, कैमरा मुझे क्यों वीडियो निकाल रहा है, ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, भाई रुक जरा दिखाना दे तुझे, तेरा भी बहुत फैन फॉलोअर्स है पता है ना। जब भी ये छोटा था मतलब ये तो बहुत छोटा था ठीक है ना, सबसे छोटा यही था। और गूंज था, गूंज पता नहीं क्यों बढ़ नहीं रहा है, और उसको खाना भी देता हूँ और उतना भी नहीं बढ़ता, क्योंकि जायंट है ना, मतलब बड़ा सा इसका बागाड़िया जो ये लिए ये बागाड़िया ये रिलीज टाइप्स कुछ, मतलब जो गूंज का बड़ा वाला है वो वाला वर्षन था है। और ये देखो इसका मुंह देखो गाइस टाइगर शोफिल नोज़ का, ये जब भी छोटा था मतलब बचपन से इसको मैं हैंड फीडिंग करता हूँ, हैंड फीडिंग नहीं इसको मतलब पकड़ के खाना खिलाता हूँ, और ये ऐसे ही खाता है, पता नहीं देने के बाद नहीं खाता। जब इसमें रेडटेल कैटफिश था जो कि गाइस देने पर ही मतलब टूट पड़ता था, इसीलिए मुझे इन दोनों को मतलब टाइगर शोफिल नोज़ और गूंज कैटफिश को पकड़ के ऐसे खाना खिलाना पड़ता था। और उसके बाद जो रेडटेल था उसको तो मतलब पकड़ता ऐसे, मैं जब भी टॉप के आसपास से गुजरता ना वो मतलब मुझे पहचान लेता था, जब भी मैं गुजरता था तभी और कोई गुजरता था तब इसको मतलब कोई परवाह ही नहीं था, क्योंकि इन सबको तो खाना मैं ही खिलाता था और कोई भी नहीं। बाकी सब लोग तो डरते हैं टीवी में देखकर, रेडटेल कैटफिश एलिगेटर गार्ड की बहुत बड़ा होता है, और एलिगेटर गार्ड से गाइस सब डरते हैं। और इसका पैटर्न देखो गाइस टाइगर शोफिल नोज़ का, और ये मतलब ये ऐसा ही देखा पहले कितना चपट कर रहा था, और अब ये शांत हो गया ये देखो, क्योंकि इसको पता चल चुका है कि हाँ खाना खिलाना है तो ठीक है
कोई बात नहीं, मैं आसानी से खाना खा लूँगा। ये देखो एक बच्चे की तरह ऐसे, किसी को मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है कि इसका मुंह में खोल रहा। ये ऐसे ही होता है मॉन्स्टर फिश का, जो कोई बात नहीं, ये बहुत हार्डी फिश रहता है क्योंकि इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, और ये पानी के बाहर भी कुछ मिनट तक रह सकता है और कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसका तो खाना खाना हो गया, इसलिए अब इसको टब में फिर रिलीज भी कर दिया। और गूंज कैटफिश गाइस, मेरे पास जितना भी मॉन्स्टर फिश है ठीक है ना, ज़्यादा मॉन्स्टर फिश है, और सबसे ज़्यादा बड़ा मुंह पता है किसका है? गेस करो गेस करो, एलिगेटर, पिकॉक बेस, श्रोविल नोज, गूंज। हाँ गाइस, सबसे बड़ा मुंह गाइस गूंज कैटफिश का है। ये सबसे छोटा है ठीक है ना, और इसका मुंह गाइस सबसे बड़ा है, इसका साइज से हिसाब से। इसका मुंह देखना, मैं इंट्रो में भी देख चुके हो शायद तो। और इसका मुंह गाइस, गाइस मतलब क्या बताऊँ, बहुत ही बड़ा है इसका मुंह ठीक है ना। इतना बड़ा मुंह मुझे मतलब पहले कभी नहीं मिला, इतना बड़ा मुंह वाला फिश। और इसका ये देखो ऐसे ही चटपट करता है। ये मुंह देखो गाइस कितना छोटा है, और फिर भी इसका मुंह देखो मतलब, और छोटा छोटा टीथ भी है। जब ये बड़ा हो जाएगा ना गाइस, ये मतलब एलिगेटर कार को भी मतलब पार कर देगा। और ये तो पता ही है, 6 से 7 फुट तक का हो जाता है ये गूंज, और इसको ऐसे ही खाना खिलाना पड़ता है। ये बहुत छोटा है इसलिए ये वरना नहीं खाता। और मुझे, मैं जब भी इसको खाना, इन सब को जब भी मैं खाना खिलाता तभी ये मतलब चुप हो जाता है। और इसका मुंह देखो गाइस कितना बड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिसलाइक मत कर देना, ये कोई बात नहीं, ये ऐसे ही करते हैं और इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। और गूंज कैटफिश थोड़ी देर तक बाहर भी रह सकते हैं, ये कैटफिश वेराइटी की जो भी है वो पानी के बाहर आसानी से थोड़ी देर रह सकते हैं, एयर से भी ब्रीथ कर सकते हैं। और बहुत हार्डी फिश रहता है मॉन्स्टर फिश जो है गाइस, हमेशा के लिए बहुत हार्डी रहता है। ये देखो चला गया, और ये हम ज़्यादातर तो इस स्टोन के आसपास ही रहता है। और इनसे जो पानी निकाला था इस टब में, ब्लू बकेट में, वो भी अब डाल देता हूँ। और डालने के बाद देखना गाइस, पूरा मतलब पानी धुंधला हो जाएगा क्योंकि इसमें इन दोनों का पॉटी भी था। पता नहीं वीडियो में आई, ये देखो गाइस कुछ ज़्यादा ही, मेरे मोम को दिया था वीडियो करने के लिए और वो इस पॉटी को वीडियो कर रहे थे। मतलब क्या ही बताओ गाइस, एकदम प्रो प्रो वाला वीडियोग्राफर है मेरे मम्मी। पॉटी का वीडियो निकल रहे थे, और उस उधर में एलिगेटर गार को खिलाने के था उसको पता। और ये देखो एक और स्ट्रीम का टुकड़ा दूंगा, और फिर से ये देखो मतलब देखना, देखा इसको पता था कि कैमरा नहीं है इसलिए पकड़ के मतलब निकल गया पूरा का पूरा। मतलब ये गाइस बहुत ही मतलब बहुत फास्ट खाना खाता है एलिगेटर गार, और इसका साइज भी बहुत बड़ा है। और ये देखो एक और दूंगा तो ये भी निकल लेगा ठीक है ना, देखा। और ये देखो मज़ा पाया, ये फिन देखो कैसे करते, जब भी मतलब ये एलिगेटर गार जब भी मैं खाना खिलाते थे, और ये मतलब मुझे बताता है कि मुझे और नहीं चाहिए, मैं खुश हूँ तुम्हारे खाना खिलाने से, मैं खुश हूँ, तभी ये मतलब इनका जो इसका जो जो आसपास का बाजू का जो फिन है दो, वो ऐसे हिलाता है। देखा शायद, अगर नहीं देखा तो मतलब 10 सेकेंड जाके देख सकते हो पहले, और स्किप करके आगे। और उसके बाद ये देखो ये मतलब अभी तो गैस कुछ मतलब ठंडी का मौसम था इसलिए हाइबरनेट कर रहा था, इसलिए थोड़ा रोगा हो गया है मतलब स्लिम हो गया है, पर वरना ये बहुत बड़ा था। और देखा पूरा का पूरा खाली भी हो गया। और यही था गाइस आज का वीडियो में, तो ठीक है, तो आज के वीडियो यही तक गाइस। तो सबने वीडियो को देख ही लिया होगा, और चैनल में नया हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट करना मत भूलिए। और अगली वीडियो में इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चैनल में नया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट करना मत भूलिए। पहले ही बोल चुका हूँ इस वीडियो का लाइक है, मैं 60 लाइक्स रखता हूँ, और क्या बताऊँ सब्सक्राइब कर दो गाइस। तो मिलता है अगले वीडियो में, बाय गाइस, सायोनारा।